अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्पाइस खाना विद नाजिया में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे केमामी सेवई की रेसिपी, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, इसे हर घरों में ईद के मौके पर बनाए जाते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपकी केमामी सेवई एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। एक चम्मच हमें यहाँ पर घी देना है। अब हमें मखाने को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक कप मखाने ली हूँ क्रश किए हुए। एक कप मखाने में यहाँ पर साबुत दे रही हूँ। अब दोनों मखाने को हमें मिक्स करके फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो सिर्फ साबुत मखाने को फ्राई कर सकते हैं। मखाने फ्राई करने से मखाने जो है बहुत ही क्रंची हो जाते हैं और इसकी जो नमी होती है वो चली जाती है, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं तो इसे बाहर निकाल लेते हैं एक बाउल में। फिर से हमें एक चम्मच घी देना है। यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे काजू ली हूँ, बादाम ली हूँ, किशमिश ली हूँ और नारियल ली हूँ। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतना ही फ्राई करना है कि उसकी नमी जो है वो चली जाए और उसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाए। तो 1 से 2 मिनट हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं तो बस इसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर से हमें एक चम्मच घी को देना है। अब हमें खोए को फ्राई करना है, इसे मावा भी बोला जाता है। खोए को फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम फ्राई कर लेते हैं ना तो बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो बस देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, मावे जो है हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब इसे हमें बाहर निकाल लेना है। 2 चम्मच हमें यहाँ पे घी देना है। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो डालडा घी में भी इसे बना सकते हैं और रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे महीन वाली सेवई ली हूँ 250 ग्राम। इसे बनारसी सेवई के भी नाम से जाना जाता है। इसी का केमामी सेवई बनाया जाता है तो बहुत ही अच्छा बनता है। आप इससे थोड़े मोटे वाले भी सेवई से बना सकते हैं, एकदम मोटे वाले नहीं, थोड़ा मोटा और हो रहना चाहिए तो भी आप बना सकते हैं, तो उससे भी बनाया जाता है। मैं यहाँ पे सारे सेवई को एक बार ही देकर भूंज रही हूँ। आप चाहें तो इसे 2 भाग में भून सकते हैं। सेवई तो हमारी मार्केट से ही भूंजी हुई रहती है, लेकिन भूंजते हैं हम इसलिए घर पर कि जो सेवई का कलर है ना वो एक जैसा हो जाए, उसकी नमी भी चली जाए और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट हम भूंज लेंगे। सेवई हमारी भून चुकी है तो अब यहाँ पर हमें 1 कप दूध दे देना है। दूध देने से सेवई जो है हमारी सॉफ्ट रहती है। जब इसे हम चाशनी में डालेंगे तो वो हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी। अब इसे कवर करके इसी तरह छोड़ देते हैं, इसकी चाशनी को रेडी कर लेते हैं। 2 चम्मच हमें यहाँ पर घी देना है। अब हमें 4 छोटी इलायची, 4 लौंग दे देना है। इसे हमें थोड़ा सा क्रैकर होने देना है। यहाँ हमें 3 कप शक्कर लेना है जो सेवई का 3 गुना है, जो 750 ग्राम है। पानी भी हमें यहाँ पे 750 ml लेना है जो सेवई का 3 गुना है। 1 चम्मच इलायची का पाउडर हमें देना है। यहाँ पे मैं 1 पिंच फूड कलर दे रही हूँ, इससे केमामी सेवई का कलर जो है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्योड़ा वाटर दे देना है। हाई फ्लेम पर इसे हमें पका लेना है जब तक कि शक्कर पानी में घुल नहीं जाती है। अब हमें इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, इसकी गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी, बस इसमें हमें एक शहद की तरह चिपचिपापन लाना है। लगातार चलाते हुए हमें इसे 4 से 5 मिनट घड़ी देख कर पका लेना है। इस तरह का चिपचिपापन आ जाए शहद की तरह तो आप समझ जाएं कि हमारी चाशनी जो है बनकर रेडी हो गई है, फ्लेम एकदम लो। अब हमें सारे फ्राई किए मखाने को डाल देना है। सारे फ्राई किए ड्राई फ्रूट्स को भी हमें डाल देना है। मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बचा कर रख रही हूँ गार्निश के लिए। अब इसे अच्छे से चला देना है हमें। अब यहाँ पे फ्राई किए हुए खोए भी हमें डाल देना है। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेना है। अब यहाँ पे जो सेवई हमने रखे थे दूध डाल के उसे हमें डाल देना है। सारे सेवई को हमें इसमें डाल देना है और खूब अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हमें चला लेना है। 2 मिनट हमें इसे लो फ्लेम पे पका लेना है।
अब इसे मैं कवर करके रख देना। अब इसे खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए हमारी केमामी सेवई एकदम परफेक्ट बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप इसे सर्व करें अपने मेहमानों के साथ, बहुत ही पसंद आने वाली ये केमामी सेवई की डिश। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर बताएं। केमामी सेवई एक ऐसी डिश है जो हम बना कर रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है। केमामी सेवई एक ऐसी डिश है जो सभी को बहुत ही पसंद आती है। आप मुझे फॉलो करके स्टेप बाई स्टेप बनाएंगे तो आपकी केमामी सेवई एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगी। आप अपने मेहमान और घर वालों के लिए एक बार इसे जरूर बनाएं, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो आप हमें जरूर बताएं। मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।